नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है और हमारे चैनल पेपर फॉर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप अभी देख पा रहे हैं कि मैं अभी किसी प्लेटफॉर्म में हूँ, तो आपको बता दो मैं अभी अपने घर पे नहीं, अपने घर से बहुत दूर, ये भी देख सकते हैं छतना स्टेशन, वहाँ पे हूँ। दोस्तों अभी मैं यहाँ होने का मेरा मेन कारण है कि यहाँ पर मेरा नानी घर है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पर लगभग 10 से 15 साल हो गया, लगभग 10 साल 12 साल इतने दिनों बाद आया हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया है। मेरा पूरा गांव जो था, मैं एक दिन के लिए आया था यहाँ पर, तो उस समय तो मैं वीडियो बना नहीं पाया अपने घर के आसपास का, तो अभी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ था, इसमें एडवेंचर था, बहुत परेशान हुआ मैं, सब कुछ बहुत जल्दीबाजी में हुआ। अभी फ़िलहाल मैं रिलैक्स हूँ और घूम रहा हूँ। और दोस्तों बता दूँ आपको एक बात कि ऐसे तो मैं धनबाद में रहता हूँ, वहाँ काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, बहुत ही डस्ट टाउन है, लेकिन यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि कोयला के जो बड़े बड़े मालगाड़ी यहाँ भी लगे हुए हैं, लेकिन डस्ट यहाँ बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और यहाँ आकर एक अच्छी सी अनुभूति हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं आपको और भी यहाँ का नज़ारा दिखाने वाला हूँ, तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों मैं यहाँ के बारे में कुछ बता रहा था, तो आपको बता दूँ यहाँ पर शांति बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा हल्ला नहीं, शोरगुल नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर मुझे। और यहाँ एक बात, यहाँ से जहाँ तक देखे दूर से दूर दराज तक, यहाँ से इतना दूर हम देख सकते हैं कि पीछे एक पहाड़ है, बहुत दूर पहाड़ है, वो आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे कैमरे में, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है। अभी मैं ब्रिज के ऊपर चढ़ रहा हूँ और आपको यहाँ से ऊंचाई पे चढ़ के मैं दूर से दूर तक देखना चाहता हूँ दूर का नज़ारा। मेरे साथ आप भी बने रहिए। वैसे बता दूँ दोस्तों कि मेरी ट्रेन अभी 1 घंटे लेट है, सोच रहा हूँ तब तक अपनी इस यात्रा को यादगार बना दूँ। तो अभी मैं इस ब्रिज के फ्लोर पे हूँ और पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। तो अभी मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, थोड़ा सा ऊंचाई से मैं इस सुंदर दृश्य को एंजॉय कर लूँ। दोस्तों ट्रेन तो अभी भी लेट है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं अभी ब्रिज से नीचे उतर रहा हूँ। दोस्तों मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे ही घूम रहा था, तो मुझे एक बात याद आ गई, ये जो पेड़ देख पा रहे हैं आम का, जब मैं 15 साल पहले यहाँ पर आया था, 10 से 12 साल पहले, तो भी शायद मौसम यही था, ऐसे ही मौसम था, क्योंकि ये जो आम का जो वृक्ष है देख पा रहे होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। यही फरवरी मार्च का महीना था, हमारे एग्ज़ाम कम्प्लीट हुए थे उस समय आया था मैं, तो कुछ बातें पुरानी थी याद आ गई, सोचा मैं आप लोग से शेयर कर दूं।